आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल दोबारा से एक बहुत ही बढ़िया फेमस स्वीट की रेसिपी। तो ये फेमस है बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में भी, और अब तो पता है ये यूपी में भी बहुत मिलती है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑथेंटिक लौंग लता की रेसिपी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये नहीं खाया होगा, लेकिन आज आप इसकी रेसिपी पूरी देखेंगे। इसको बनाना काफ़ी आसान होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो हम इसे बगैर मैदे के बनाने वाले हैं। बेसिकली मतलब जो ट्रेडिशनली इसे बनाया जाता है वो मैदे से बनाया जाता है, बट आप सभी को पता है मैदा कितना नुकसान करता है। तो इसको जो है थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए हमने सोचा चलो गेहूं के आटे से इसे बनाते हैं, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो चलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस रेसिपी को। तो इसके लिए देखिए हमें गेहूं का आटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है मेज़रमेंट कप से 2 कप जो है ये भर करके गेहूं का आटा ले रही हूँ। अब आप कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं चीज़ों को मेज़र करने के लिए। अब इसमें हम चुटकी भर जितना नमक डाल देते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होता है, बट यकीन मानिए मीठे के साथ में थोड़ा सा नमक जाता है तो बहुत ही अच्छा बैलेंस हो जाता है, चीज़ें खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून जितना डाल देंगे इलायची का पाउडर, और इसे हम एक बार ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक और इलायची के पाउडर को इसमें। तो ये हमारा आटे में इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो हाफ़ आटा हाफ मैदा भी ले सकते हैं, या फिर इसे मैदे से भी बना सकते हैं। और अब हम जो है इसमें घी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1/3 कप हमें जो है घी चाहिए है, यानी कि 1/3 कप हमने घी लिया हुआ है, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अब हम हाथों को अच्छे से इसमें मतलब दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अच्छे से मोयन देना है तो ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत ही अच्छा सा जो है गुद करके तैयार हो। तो इसे आप देखिए बिल्कुल अच्छे से मोयन दीजिएगा, तभी इसकी जो लेयर है वो बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस तरीके से हम इसे बिल्कुल रगड़ रगड़ कर इसमें मोयन दे देंगे, और 1 से 2 मिनट तक के लिए आप इसे अच्छे से इसी तरह से घी में मसल लीजिएगा। इसके बाद इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये जो है कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इसे चेक कीजिए कुछ इस तरीके से, देखिए आपको मुट्ठी बांध करके देखना है, और थोड़ा सा आपको ना फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एकदम आसानी से नहीं बंधेगी, थोड़ा सा आपको हाथ को टाइटली प्रेस करना होगा। अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे और इसका जो है डो बना करके रेडी करेंगे। अब डो कैसे बनाना है इसको भी जान लो। तो डो मतलब हमें टाइट बनाना है, जैसे कि हम पूड़ी के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका डो बना करके तैयार करना है। तो हमें इसे सॉफ्ट नहीं बनाना है, हमें जो है जैसे हम पूड़ी का डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे रेडी करना है। तो बस इसका अब मैं डो बना लेती हूँ। डो बन जाएगा तो अब हमारा जो डो है वो थोड़ा सा रेस्ट पे भी जाएगा, ताकि हमारे जो लौंग लता है वो बहुत ही बढ़िया से बने। तो ये देखिए मैंने इसका डो लगा लिया है, और 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा था, ये टाइट डो लग करके बिल्कुल तैयार हो गया। ऊपर से हम इसमें 1 से 2 बूंद घी का डाल देंगे और इसे जो है इस तरह से चिकना करके रख देंगे। अब क्योंकि देखिए गर्मी का समय है ना, तो इसे ज़रूर से आप जो है या तो इस तरह से घी लगा करके ढक के रखिएगा, या फिर किसी गीले कपड़े से जो है इसे ढक करके रखिएगा। ऐसे मत रखिएगा नहीं तो आटा ऊपर से सूख जाएगा। अब जो है मैंने यहाँ पर खोया यानी कि मावा लिया हुआ है। अगर आप मावा नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश मलाई यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें मलाई और जो है डेसिकेटेड कोकोनट डाल करके इसकी जो स्टफिंग है वो बना सकते हैं। साथ में हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे, तो मैंने 2 टेबल स्पून जितना ये चीनी ऐड कर दी है। चीनी मैंने थोड़ी कमी रखी है क्योंकि अभी हम सिरप बनाएंगे, इसके अंदर सिरप चला जाएगा तो ऑलरेडी ये बहुत मीठा हो जाएगा। तो बस अब हम कोकोनट में चीनी और जो है इसे मावे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें जो है ये थोड़े से कटे हुए नट्स, इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप मलाई से भी स्टफिंग बना सकते हैं, बस आपको कोकोनट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी। अब मैंने इसमें चुटकी भर जितना ये इलायची का पाउडर डाला है। अब इसी के साथ हम चुटकी भर जितना ये लौंग का पाउडर डालेंगे। लौंग को थोड़ा सा आप गैस में भून लीजिए, इसके बाद जो है इसमें इसका पाउडर डालिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है और एक अलग सी खुशबू आती है जो इस लौंग लते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है लौंग लता। तो इसको जो है हम देखिए हाथों से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हाथों पे हम जो है थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। हथेली पर घी लगाने के बाद हम जो है इसके छोटी छोटी बॉल्स जैसे बना करके रेडी करेंगे। इससे क्या होगा जब हम लौंग लता बनाएंगे तो हमें स्टफिंग करने में बहुत ही आसानी होगी और हमारे हैंड जो है बार बार गंदे नहीं होंगे। और अब हम यहाँ पर देखिए चीनी लेंगे 1/2 कप और उसमें हम पानी भी डालेंगे 1/2 कप।
तो इस तरीके से आधे कप चीनी आधे कप पानी हमने डाल लिया है और इसका सिरप बना करके रेडी करेंगे। तो जब तक कि चीनी इसमें घुल नहीं जाती है तब तक आप इसे पका लीजिए। मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर चीनी को घुलने तक इसमें पका लूँगी और चीनी के घुल जाने के बाद आपको इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना होगा। इसके बाद हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें केसर भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारी जो चाशनी का कलर है वो थोड़ा सा येलो सा आ जाए। आप चाहें तो हल्का सा येलो कलर भी मिला सकते हैं अगर आपके पास केसर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं। तो बस हमारी जो चाशनी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है और बस अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। हमें इसका एक तार नहीं बनाना है, बस एक तार से थोड़ा सा कम रह जाएगा। और ये देखिए चाशनी बन करके रेडी हो चुकी है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि ये जो है हल्की गर्म बनी रहे। हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं करना है तो इसीलिए आप इसे अच्छी तरीके से गर्म मतलब बनी रहे इसे ढक करके रख दीजिए। तो बस अब बस हमें फटाफट से अपने लौंग लत्ते बनाने हैं। और ये देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल स्मूथ लग करके तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको आटा लगाना है और जब आटा अच्छे से रेस्ट कर लेता है ना तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो अब जो है हम इसके जो पेड़े हैं वो कट कर लेंगे। तो मैंने इसे रोल कर लिया है और अब चाकू से जो है मैं इसके पेड़े जो है वो कट कर लूँगी। 2 कप आटे से 11 लौंग लत्ता बन करके तैयार हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा लौंग लत्ता बन जाती है। और ये देखिए हम इसे पूरी की तरह ही बेलेंगे, जितना पूरी होती है बिल्कुल उतना ही हमने इसे बेल लिया है। और इसके बाद हमारा जो पेड़ा था उसे थोड़ा सा हम ऐसे रोल करेंगे। अब साइड पर हम इसमें पानी लगाएंगे, इसके इस एक साइड से हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे ऐसे रख देंगे। ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं कढ़ाई में और ऊपर से मैंने थोड़ा बेलन चला दिया ताकि थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। साइड्स को मैं कट कर दे रही हूँ ताकि एक अच्छी फिनिशिंग आ जाए और फिर इसके बाद हम पानी अप्लाई करेंगे और इसके बाद एक लौंग इसमें लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे लौंग लत्ते बना लिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बनाने में आप वीडियो को पॉज करके इसे दोबारा से देख सकते हैं। बनाना काफ़ी अच्छा है, बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि पानी अप्लाई अच्छे से कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा। अब इसे हम बिल्कुल सोते हुए तेल में डालेंगे। अब सोते हुए तेल का मतलब ये होता है कि तेल मतलब बिल्कुल शांत होना चाहिए, उसमें ऐसे बबल्स नहीं पड़ने चाहिए जब आप लौंग लत्ते को डालें, क्योंकि इसे पकने में और फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये देख सकते हैं आप आटा था लेकिन कितना अच्छा फूल चुका है, मतलब इसमें जो हमने मोयम लगाया था वो बहुत ही अच्छा लगा था और दोनों तरफ से ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, 1 बाय 1 हम इसे निकालते जाएंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा नहीं होने देंगे। अभी ये गर्म ही है और इनके ऊपर हम हल्की गर्म चाशनी ही डाल देंगे तो इससे क्या होगा फटाफट से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमने जो है इस तरीके से इसमें चाशनी डाल दी है और अब हम इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ आपको लगभग आधे से पौने घंटे छोड़ना होगा तभी जो चाशनी है इसमें अच्छे से अंदर जा पाएगी और ये जो है बिल्कुल रसीले बन करके तैयार होंगे। तो इसके बाद देखिए ये हमारे बहुत ही बढ़िया से लौंग लत्ता बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, इसको बनाना काफ़ी आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है।